नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमल ज्योतिषाचार्य कृष्णा शर्मा। आप सबका स्वागत करते हुए आज के दिन के बारे में बताना चाहेंगे। आज है 18 जून, दिन है सोमवार का और चंद्रमा सिंह राशि में संचार कर रहा है। और शुभ समय की यदि हम बात करते हैं तो शुभ समय प्रातःकालीन का जो है सुबह 7:30 बजे से लेके 8:25 मिनट तक का रहेगा। लंबा समय है। दान पुण्य का कुछ भी समय निकालना चाहते हैं निकालिए, मगर राशियों के अनुसार भाग्य का पासा आपके लिए क्या बोल रहा है वो बताएंगे। और साथ ही आज हम आपको वो खास उपाय बताएंगे जिसके जरिए ऐसा लगता है कि चंद्रमा की वजह से हमारे काम में कोई दिक्कत आ रही है या चंद्र और शनि की वजह से आ रही है, तब हमें ऐसे में क्या खास उपाय करना है बताएंगे। मगर उससे पहले हम बता दें आज का दिन आपके लिए क्या है। मेष राशि वालों के लिए भाग्य के पास का नंबर है 4, 4, 3। काउंट करते हैं 11 को तो 2 नंबर। मेष राशि वालों, आज जो है अचानक कुछ परिवर्तन का योग बनता नजर आ रहा है। शायद हो सकता है जॉब में आपकी तरक्की हो या स्थान परिवर्तन हो, परिवर्तन का योग पूरी तरीके से है। और साथ ही एक चीज़ और ये बता दें, आज अपने अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ में बहस ना करें। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि वालों, भाग्य के पास का नंबर आपके लिए कहता है 4, 4, 3। आपके लिए भी काउंट करा तो 11 को 2 नंबर आपके लिए भी निकला है, 2 नंबर अगर आपके लिए बताता है। वृषभ राशि वालों, आज जो है कहीं आपने धन निवेश किया है या कहीं आपने पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। और जहाँ लगाया है वो वापस आ सकता है। और अच्छी जगह कहीं आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा उत्तम है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी आपको चिंता होनी चाहिए। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों, आपके लिए भाग्य के पास भाई आपके लिए भी सेम नंबर निकला है, 4, 4, 3। देखिए आपके लिए बता दें, जो 11 नंबर काउंट करके 2 नंबर हैं मगर आपके लिए कुछ अलग है। कुछ जो है परेशानी, अचानक कोई परेशानी अपने आप ही ले लेंगे जिसके चलते हो सकता है आज मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे, जिसके कारण हो सकता है आज किसी की सलाह लेनी पड़ जाए। तो सलाह जरूर ले लीजिएगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करें कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य के पास एक नंबर कहता है 2, 4, 3। 9 नंबर कर्क राशि वालों, 9 नंबर आपके लिए बताता है आज विवादों से दूर रहने के साथ साथ आपके लिए बता दें, आज कोई खरीदारी करने जा रहे हैं तो जरूर करिए, मगर अपने कीमती चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि सिंह। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के पास एक नंबर है 2, 2, 6 नंबर। सिंह राशि वालों, यहाँ बता दें स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, जीवन साथी को भी आज समय देना है। इसके साथ यहाँ हो सकता है आज जीवन साथी की कुछ तरक्की, कुछ कह सकते हैं कि कुछ लाभ उनको प्राप्त हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और जो प्रेमी युगल है उनके लिए बता दें कि आज हो सकता है कि अपने प्रेमी युगलों के लिए बहुत अच्छा दिन भी है। रिश्ते की बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि वालों, भाग्य के पास का नंबर आपके लिए कहता है 3, 4, 1। 8 नंबर कन्या राशि वालों, 8 नंबर आपके लिए बता रहा है कि आज पूरी तरीके से काम में बिजी तो रहेंगे ही, इसके साथ ही यहाँ बता दें अधिकारी वर्ग के लोगों का भी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनेगी, किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके काम में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सहयोग देगा। हम बात करें तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भाग्य के पास का नंबर है 3, 3, 1। 7 नंबर तुला राशि वालों, 7 नंबर आपके लिए बताता है कि आज जो है स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, अपना नहीं माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। हो सकता है किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो जाए जिसकी वजह से आप पूरी चिंता में डूब सकते हैं, चिंता में डूबेंगे उसके ऊपर जो है खर्च भी आपका ज़्यादा बनता नजर आ रहा है, तो खर्च जो है ज़्यादा हो सकता है। हम बात करें अपनी अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों, भाग्य के पास एक नंबर ये कहता है 5 नंबर। वृश्चिक राशि वालों, बातों से तो लोग आपके प्रभावित होते हैं मगर आपकी बातों में यहाँ पर कभी कभी होता है कि ज़्यादा कठोरता आ जाती है, तो कठोरता का बिल्कुल उपयोग ना करें, कठोर वचन बिल्कुल ना बोलें, अच्छे वचन बोलेंगे, वाणी का उपयोग करेंगे। आज आप अपने से किसी से भी काम कराना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी कार्य हो या फिर कोई ऐसा कार्य व्यापार में कोई ऐसा कार्य हो, तो वो कार्य आपका पूरी तरीके से बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं धनु। धनु राशि वालों, भाग्य के पास का नंबर आपके लिए निकला है 3, 1, 3। 7 नंबर 7 नंबर ये बताता है कि आज जॉब वगैरह के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आज वो कह सकते हैं कि आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं तो जाइए, उसमें चांसेस आपके पूरे 90% है,
10% ये बताते हैं कि हमारी पूजा पाठ, हमारे घर वालों की दुआएं काम आएंगी। और इसके अलावा एक चीज़ बता दें, आज कोई अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपके काम आप में सहयोग भी देगा और आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। हम बात कर ले मकर, मकर राशि वालों आपके लिए भाग्य के पास एक नंबर है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, 7 नंबर आपके लिए भी, 7 नंबर ये बताता है मकर राशि वालों आज जो है लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। कहीं लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, शायद घूमने फिरने की हो, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और घर परिवार में आज खुशहाली का माहौल रहेगा, किसी के आने से आज आपके घर का वातावरण चेंज हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य के पास का नंबर है नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, 4 नंबर। कुंभ राशि वालों 4 नंबर आपके लिए बताता है कि आज आपके लिए कोई, जो लोग राजनीतिक के क्षेत्र में हैं या कि कोई आपका कोई काम फंसा हुआ है, वो उस काम में अचानक उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, सफलता प्राप्त होगी। और कोई ऐसे व्यक्ति से जो राजनीतिक के क्षेत्र में है, उनको भी आज सफलता प्राप्त हो सकती है। आज आपकी जो योजनाएं ना, वो योजनाएं सफल होने वाली है, योजनाओं पर पूरी तरीके से आज कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मेहनत के जरिए आज आपको सफलता पूरी प्रदान हो सकती है। हम बात करते हैं आखिरी राशि मीन, मीन राशि वालों के लिए भाग्य के पास का नंबर है नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1, 7 नंबर। मीन राशि वालों 7 नंबर ये बताता है स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, भाई स्वास्थ्य पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। इसके साथ ही आज कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जिसकी वजह से हम चिंता में डूब सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, मगर ज़्यादा चिंता करने से आपका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। आज अपने आप को बिल्कुल मजबूत बना के रखना है, मन स्थिर रखना, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, यकीनन आज जो है आपका दिन अच्छा फिर बीत जाएगा यदि ध्यान रखेंगे तो। अब हम बता देते हैं, यदि आपको लग रहा है हमारे कार्य नहीं बन रहा, हमें मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, हमें मनचाही पदोन्नति नहीं मिल रही है, तब आपने क्या करना है, करना ये है, ये करना है 5 शनिवार तक करना है। किसी भी ऐसा कोई वीरान कुआं हो या जहां जिस कुएं तक जाएंगे उस कुएं के पास में कोई आसपास कोई देखने वाला ना हो, तब आप जाइएगा, दूध ले जाइएगा, चांदी के किसी पात्र में ले लें, या फिर स्टील के पात्र में ले जाएं, या फिर कांच की बोतल में ले जाएं और उसमें जाकर बहा दें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, कम से कम ये होना चाहिए कि 2-3 चम्मच तो होनी ही चाहिए, जाकर उस नदी में जाके दूध आप डाल दीजिए। यकीन मानिए उस कुएं में जो आपने जल डाला है, ये आपकी परेशानियों को, चिंताओं को दूर कर देगा, और साथ ही आपकी मन चाहे जगह जो पदोन्नति चाहते हैं या स्थान परिवर्तन चाहते हैं, वो आपका कार्य बन जाएगा। नौकरी के लिए जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये था खास उपाय, कल एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में मुलाकात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। जय महादेव।